तो बात कर रहा हूँ भाई, चलिए बात करते हैं सीपीएल 2024 के मेरे भाई 21वें मुकाबले के बारे में जो यहाँ खेला जाना है मेरे भाई गुयाना अमेजोन वॉरियर और मेरे भाई यहाँ पे सेंट किट्स के बीच। पिछला इनका एक मुकाबला खेला गया था जहाँ पे 266 रन गुयाना ने बोर्ड पर लगाया था और 222 पे ये टीम पूरी ढेर हो गई थी, चेस करते करते रह गई थी सेंट किट्स। और देखा जाए मेरे भाई फिलहाल इन कंडीशन में इस समय सेंट किट्स पहला मैच जिस तरह से इसने खेला था मेरे भाई ऐसा लगा था कि सेंट किट्स काफ़ी आगे तक जाएगी, ये फाइनल फोर में भी देखने को मिल सकता है, पर उसके बाद सेंट किट्स ने कंटिन्यू मैच हारा। और एक बार देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे हर साल एक ट्रेंड सेट होता है कि सीपीएल में कोई एक ऐसी टीम होती है जो कंटिन्यू हारती जाती है, पूरा टूर्नामेंट हारती है, और कंटिन्यू एक टीम ऐसी होती है जो कि पूरा कंटिन्यू पूरा जीतते जाती है पूरे फुल टूर्नामेंट में और सीधा जाकर कप पे भी हाथ लगा देती है। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा यहाँ पे गुयाना में जोन वॉरियर का थोड़ा सा यहाँ पे भी लय गड़बड़ाया हुआ दिख रहा है और सेंट किट्स का तो पूरा ही मतलब साफ है। और बात करते हैं मेरे भाई कि यहाँ पे आप लोगों को बैक टू बैक में टेलीग्राम चैनल प्रॉफिट दिया जा रहा है। कल ही की अगर बात करें मेरे भाई तो कल टीकेआर वाले मैच में आप लोग को 50 पैसे का लमसम का आप लोग को जैकपॉट देखने को मिला। और यहाँ पे रात वाली मैच यानी ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड में जहाँ पे पूरा मार्केट इंग्लैंड पे बैठा हुआ था वहीं पे आप लोग को 30 पैसा का आप लोग को जैकपॉट निकाल कर दिया गया, 30 पैसे का जैकपॉट। तो कल लमसम 5 से 6 लिमिट प्लस कराकर पंटर लॉबी को दिया गया है। अगर आप भी सही काम की तलाश में, बेस्ट काम की तलाश में हो मेरे भाई तो आप सही जगह चुके हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और काम के मेरे भाई लुफ्त उठाओ, काम के मजे उठाओ। चलिए आगे बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। तो जैसा कि आपको मालूम है 21 सितंबर को यहाँ निकल और कल मेरे भाई डबल हेडर है, तो डबल हेडर का यह पहला मुकाबला जो कि मॉर्निंग में खेली जाएगी 4:30 बजे। तो आपको इस वीडियो में बताने वाले मेरे भाई कि पिच डिटेल्स क्या होगी, जैसे पिच डिटेल्स और उसकी एनालिसिस करेंगे हम लोग, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, प्लेइंग 11, टॉस एंड सेशन और मेरे भाई फाइनली मैच प्रिडक्शन। और दूसरी चीज़ है मेरे भाई कि अगर आप लोग मेरे वीडियो अभी देख रहे हो तो सामने देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को मोर का ऑप्शन शो कर रहा होगा, चेंज यहाँ पे आप लोग को मोर का ऑप्शन शो कर रहा होगा, तो यहाँ पे क्लिक करेगा तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ पे आप लोग को नीचे खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके सीधा आप लोग रिडायरेक्ट हो जाओ टेलीग्राम चैनल पे और जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, अच्छा काम मिल रहा है, अच्छे काम का फायदा उठाओ। और मेरे भाई जिस काम की तलाश में आप लोग मार्केट में घूम रहे हो भटक रहे हो, 100 गुना बेहतरीन काम आप लोग को निकाल कर ऑलरेडी दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। तो ये मुकाबला प्रोविडेंस स्टेडियम गयाना में खेला जाएगा जो गयाना का होम ग्राउंड है और यहाँ पे बारिश की कल कोई चांस नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बिंदास होकर सुबह में 4 बजे उठिए, बारिश को डिस्टर्ब नहीं करेगी। यहाँ अगर पिच के बारे में बात करें तो प्रोविडेंस स्टेडियम गयाना का पिच गेंदबाजों के लिए सबसे बेस्ट पिच मानी जाती है क्योंकि इसका प्रमुख कारण यहाँ के पिच का धीमी गति का होना है। यहाँ के पिच काफ़ी धीमी है मेरे भाई, बिल्कुल बॉलर स्पिनर के लिए खासकर ये पिच बिल्कुल पैराडाइज है। प्रोविडेंस स्टेडियम गुयाना के पिच पर मध्यम गति के तेज गेंदबाज बेस्ट प्रदर्शन कर सकते हैं जो कि पेसर ना हो, जो 130-135 का 125-130 इस तरह का जो गेंद, जो नॉर्मल जो क्या बोलते हैं उसको स्पिनर से बीच बीच वाला भुवनेश्वर कुमार टाइप वाला, जितना ज़्यादा पेस 140-145 नहीं, एक यहाँ पे 130-135 फिंगर में फंसा कर बॉल फेंकते जाओ, स्लोवर डिलीवरी मारते जाओ, यहाँ पे विकेट निकल दी जाएगी। और दूसरा मेरे बल्लेबाजी भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, बल्लेबाजों को चाहिए कि इस पिच पर समय देकर खेले ताकि पिच को पढ़ ले और इसके बाद सेट हो जाने के बाद बल्लेबाजों से अधिक बेस्ट स्कोर बन सकते हैं बल्लेबाज। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जो भी बैट्समैन बैटिंग करने आए तो यहाँ पे आराम से पहले खेलो सिंगल डबल कर, यहाँ पर सोचो कि आकर मारना चालू कर देंगे तो यहाँ पे वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, सीधा विकेट गवा बैठोगे, बोल्ड हो जाओगे तो कैच आउट हो जाओगे। पिछले बहुत से मैचों में देखा गया कि बल्लेबाज इस पिच पर धीमी शुरुआत करते हैं लेकिन अंत के ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके अपनी टीम को उच्च स्कोर तक पहुंचाते हैं, स्पिन गेंदबाज भी यहां पर विकेट निकाल सकते हैं। तो यहां पर बहुत से मैच में ये देखा गया कि मेरे भाई स्टार्टिंग के फेज में तो सिंगल डबल ये लोग यहां पर खेलते चलते लेकिन लास्ट के बचा हुआ 4 ओवर में यहां पर बिल्कुल बूस्टअप करते हैं, वो कब हो पाता है जब यहां पर बैट्समैन पहले से खेलते हुए सेट हो, वरना लास्ट के भी फेज में अगर विकेट गिर जा रहा है, बार बार विकेट गिर रहा है तो कोई बैट्समैन यहाँ पे इस पिच पे सेट नहीं हो रहा और यहाँ पे आकर सोचा है कि लास्ट के 2 ओवर 3 ओवर में बिल्कुल बॉलर को फाड़ दे पकड़ के, तो ऐसा यहाँ पे सीन होने नहीं वाला है। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे टोटल मैचेस की बात की जाए तो यहाँ पे 44 मैचेस अब तक खेले जा चुके हैं जहाँ पे 18 बार पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम जीता और वहीं पे मेरे भाई यहाँ पे सेकंड बल्लेबाजी करते हुए टीम ने यहाँ पे टोटल 25 मैच को जीता है। टाई यहाँ पे एक मुकाबला रहा है और एवरेज स्कोर की बात करें इस ग्राउंड पे तो 149 रन का रहता है। जमाका तलवास का हाईएस्ट स्कोर है 26/4 और जमाका के तलवास का ही लोएस्ट स्कोर है 79/10। वही अगर स्कोरिंग पैटर्न पर अगर हम लोग नजर डालें तो 150 से नीचे का स्कोर 22 बार लगा, 150 से 169 का स्कोर 11 बार लगा, 170 से 179 का स्कोर यहाँ पे 6 बार लगा, 190 प्लस का स्कोर यहाँ पे 5 बार लगा। देखा जाए तो सबसे ज्यादा मेरे भाई
यहाँ सबसे ज्यादा 150 से नीचे का स्कोर लगा यहाँ पे, तो यहाँ पे स्कोरिंग करना बहुत आसान नहीं होगा किसी भी बैट्समैन के लिए। चलिए दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स अगर हम देख लें मेरे भाई, तो यहाँ पे 19 मुकाबले टोटल इन दोनों के बीच में खेला गया, जहाँ पे गुयाना ने 13 मुकाबले को जीता और यहाँ पे सेंट किट्स ने केवल 6 मुकाबले को जीता। देखा जाए तो यहाँ पे गुयाना बिल्कुल डोमिनेट करती है सेंट किट्स को, और यहाँ पे टाइज मुकाबला नहीं हुआ। बीते 5 मुकाबले के बाद की जाए मेरे भाई, तो यहाँ पे गुयाना जीती है और फिर लगातार 2 मुकाबले सेंट किट्स जीती है। देखा जाए रिसेंट फॉर्म के अनुसार, इन दोनों के हेड टू हेड के अनुसार, तो यहाँ कंटिन्यू लास्ट के कंटिन्यू 3 मैच यहाँ पे गुयाना अमेजन वॉरियर्स जीती हुई आ रही है। और पिछले बार भी इन दोनों के बीच में भी अच्छा गेम हुआ था, जो माफ करिएगा 266 का टारगेट लगा हुआ था, वहां पे 222 रन ये लोग बना पाए। एक समय लगा कि सेंट किट्स स्कोर को चेज ही कर देगा, पर खैर ऐसा हुआ नहीं। अगर ऐसा होता तो मेरे भाई सीपीएल इतिहास में सबसे बड़ा रन चेज भी हो जाता। चलिए खैर बाकी प्लेयर का नेम आप लोग जानते हैं, तो सीधा हम लोग आ जाते हैं अपने मुद्दे पर जिसके लिए आप लोग वीडियो देख रहे हैं। तो 6 ओवर का अगर पावर प्ले की बात किया, तो यहाँ पर 40 से 45 रन मुझे लगना पसंद हो रहा है 6 ओवर के पावर प्ले में। वहीं अगर बात की जाए 20 ओवर की, तो 20 ओवर में आपको 150 या 155 से आप लोग 160 का स्कोर आपको देखते हुए मिलेगा, क्योंकि पिच हो सकता है कि पहला मैच वहाँ पे अभी खेला जाए तो पिच थोड़ा सा वहाँ पे बढ़िया मिले आप लोगों को। और विकेट कॉल की बात की जाए, जागरण टेलीग्राम चैनल रन यस और रन नॉट टेलीग्राम चैनल, जितनी फैंसी आप लोगों को दी जाती है सब टेलीग्राम चैनल में ओपन में दी जाती है मेरे भाई। जैकपॉट कल ही दिया है। अब तक जितने भी जैकपॉट कैश हुए सीपीएल के लो या उसके अलग भी जो भी लीग जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले चल रही है, उसमें 2 जैकपॉट हुई है और दोनों जैकपॉट हम लोगों ने पकड़ा है। कल पकड़ा इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का ODI, एक और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जो T20 में हुआ था, लमसम 25 से 30 पैसा राउंड का जैकपॉट हो रहा था, वहां पे हम लोगों ने पकड़ा था। तो जाकर चैनल को फटाफट मेरे भाई आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहीं अगर टॉस की बात की जाए, तो टॉस की बात की जाए उससे पहले बात कर लेते हैं मेरे भाई, अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो, पहली बार आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे सब्सक्राइब का आइकन होगा, वहां पे क्लिक करके आप लोग को ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि हमारे आने वाली भी वीडियोस की अपडेट आप लोग को मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करते करके ही जाना, वरना ऐसे हिलना मत वहां से। वीडियो को अभी लाइक कर दो, वरना आप लोग भूल जाते हो। चलिए बात करते हैं टॉस की, तो मेरे अनुसार इस मुकाबले का टॉस आपको गुयाना जीतते हुए नजर आएगी। गुयाना इस मुकाबले का टॉस जीतते नजर आएगी, और वहीं अगर मैच की बात की जाए यहाँ पे, तो गुयाना इस मैच को जीतेगी। तो टॉस और मैच दोनों गुयाना के साथ में जा रहा हूँ। बाकी फाइनल प्रेडिक्शन फाइनल रिपोर्ट आप लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल मिलेगी, जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। चलिए मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के धन्यवाद।